आप देख सकते हैं आपके सामने एक यहाँ पर एयर कूलर रखा हुआ है जो कि विंटर सिम्फनी का एयर कूलर है। इसमें कूलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉपरली कूल नहीं हो रहा है, जो ठंडी हवा आना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं आ पा रही है। तो इसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम होती है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये इसका बैक पोर्शन है, इसकी बॉडी में ये कर्व में लिए हुए दो पैड लगे हुए हैं जो एयर कूलिंग पैड हैं। आप देख सकते हैं, आपको हम करीब से दिखाते हैं। इसमें जो पैड लगे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी डस्ट जमा हो गई है, काफ़ी धूल हो रही है, यहाँ पे मिट्टी काफ़ी जमा हो गई है। तो इससे होता क्या है कि जो जब कूलर को हम चालू करते हैं तो जो मोटर जब मूव करती है और जब ब्लेड मूव करती है कूलर की, फैन मोटर की जो ब्लेड हैं मूव करती हैं, तो अंदर की जो एयर होती है उसको ये सक करके और बाहर की ओर आपको सामने से ठंडी हवा आती है। तो इसमें जो फैन मोटर है वो एयर को पैड के थ्रू सक करती है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी डस्ट, यहाँ पे मिट्टी जमा हो गई है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत कम एयर यानी ये सक कर पाता है फैन, और इससे क्या होती है आपकी कूलिंग भी कम आती है, हवा भी कम आती है, और साथ में मोटर हीट होके और मोटर के जलने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी ज़्यादा आता है क्योंकि मोटर पे लोड आता है, ओवरलोड होके मोटर चलती है। तो इस केस में सीज़न ख़त्म होने के बाद जब नया सीज़न शुरू होता है तो आप ये पैड को आप हमेशा चेंज करें, जिससे क्या होगा कि प्रॉपरली यानी एयर इसमें अंदर सक होगी और आपको ठंडी हवा लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि ये पूरा जाम हो जाता है यहाँ पे, काफ़ी मिट्टी सीजन में आपकी इकट्ठी हो जाती है। तो आपको ये इस प्रकार से हर साल यानी इसके पैड को चेंज करना चाहिए। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि पैड को किस प्रकार से चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक, दो और दो हिडन स्क्रू यहाँ पर यहाँ साइड में दिए हुए रहते हैं, दोनों साइड में। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हिडन स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऐसे टोटल चार स्क्रू रहते हैं, एक स्क्रू और यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हिडन स्क्रू है, तो इन चारों स्क्रू को हम यहाँ से ओपन करेंगे और ये पैड को हम बाहर करेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसके जो बैक कवर है उसमें चारों स्क्रू हम जो लगे हुए थे हमने ये ओपन कर लिए हैं। अब हम आपको पैड को हम यहाँ से खोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे लॉक दिए हुए हैं, तो यहाँ से इन लॉक को खोल के हम ये पैड को, दोनों पैड को बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये लॉक को यहाँ से, इस प्रकार से इनके लॉक को, इस प्रकार से हम ऐसे लॉक को हटाएंगे। और ऊपर भी ये लॉक दिए हुए रहते हैं, इस प्रकार से हम इनको हटाएंगे। हमने इनके लॉक्स सारे ओपन कर लिए हैं, अब इसको इस प्रकार से निकाल लेते हैं। साइड जो पैनल है इनको भी हम यहाँ से हटा लेंगे। ये हमने पैड हटा लिए हैं। ये साइड वाले पैड को भी हटा लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड के कूलिंग पैड हटा लिए हैं। और आपको यहाँ पे कुछ दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो बहुत सारे जो स्क्रू लगे हुए हैं, नट बोल्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी रस्ट वगैरह लगी हुई है, जंग लगी हुई है। यहाँ पे ये जो आपके स्क्रू लगे रहते हैं यहाँ पे सब रस्ट आ जाती है, और यहाँ साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए ये रस्ट लगी हुई है यहाँ पे। तो इन सबको जब आप, सीज़न ख़त्म होता है
या सीजन शुरू होता है उस टाइम में ये सभी नट बोल्ट पे आप ऑयलिंग और ग्रीसिंग आप ये इस प्रकार से मशीन ऑयल उसको आप यहाँ पे ऐसे लगा के इसको ऑयल लगा दीजिएगा ऐसे। और साथ में यहाँ जो मोटर रहती है मोटर में भी एक यहाँ पे एक होल दिया हुआ रहता है जहाँ पे आप ऑयल इस प्रकार से ऐसे ऑयल उसमें लगा दीजिए इस प्रकार से ऑयल उसमें भर देते हैं। इसमें जो शाफ्ट में जो बुश लगा हुआ रहता है ताकि उसको प्रॉपरली ऑयलिंग मिल जाए और वो स्मूथली रन करता रहे। तो ये सभी जितने भी स्क्रू हैं वहाँ पे आप इस प्रकार से ऑयल लगा दीजिए और साथ में बाकी जो नट बोल्ट हैं वहाँ सब जगह ये आप ग्रीस लगा लीजिए। ये ग्रीस है, ये आप ग्रीस यहाँ पे सभी नट बोल्ट पे इस प्रकार से सीजन शुरू होने पर और सीजन खत्म होने के बाद आप ये इस प्रकार से ग्रीस लगा लीजिए जिससे आपकी रस्ट नहीं लगेगी और कभी भी जब इसको नट बोल्ट को ओपन करना रहेगा तो इजीली आपका नट बोल्ट ओपन हो जाएगा। ऐसे सभी जगह पे आप जितने भी स्क्रू नट बोल्ट हैं वहां सभी जगह ऑयल और ग्रीस लगा लीजिए। अब आप देख सकते हैं ये हमारे जो दोनों पैड रखे हुए हैं इनमें जो साइड में जो स्क्रू लगे हुए हैं ये 6-6 स्क्रू लगे हुए हैं 6, 7, 8 यहाँ पे बीच में 9 ये सारे जो जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं ये सभी हम दोनों पैड से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारा पैड पूरे ख़राब हो चुका है, पूरी डस्ट मिट्टी धूल मिट्टी लगी हुई है, इसको हम चेंज करेंगे। और ये हमारे पास जो पैड रखा हुआ है इसको हम इन दोनों साइड वाले पैड होल्डर में हम इनको लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इनके सारे स्क्रू को ओपन कर लिया है, ये सारे स्क्रू हमारे निकल चुके हैं। अब हम इसको पैड को यहाँ से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये पैड पूरी तरह से सड़ चुका है, इसमें धूल मिट्टी लगी हुई है, ये पूरा चोक हो गया है। तो इसको हम पूरा चेंज करेंगे, नया जो पैड है वो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। इसी प्रकार से हम जो दूसरा वाला जो पैड होल्डर है इससे भी ये स्क्रू यहाँ से निकाल लेंगे। ये सब स्क्रू हमने सब निकाल लिए हैं और ये पैड को हम जो सड़ गया है इसको निकाल लेंगे, इनको हम चेंज करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड पैनल में ये कूलिंग पैड हमने इसमें लगा दिए हैं और स्क्रू सारे हमने इसमें लगा दिए हैं। और आप देख सकते हैं ये पुराने वाले पैड पड़े हुए हैं जिनमें धूल मिट्टी लगी हुई थी, पूरी डस्ट आ रही थी। अब इनको हम कूलर में फिट करेंगे। यहाँ पे हम इस प्रकार से कूलर में वापस फिट करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड पैनल को फिट कर दिया है, यहाँ पे सारे स्क्रू हमने इसमें लगा दिए हैं। अब ये हमारा कूलर पूरी तरह से रेडी हो गया है, अब इसमें प्रॉपरली कूलिंग आएगी क्योंकि हमने ये